Hello everyone, I am Rajesh Sharma. Welcome all of you in my channel Study Time. Today we will learn about conditional sentences. जैसा कि हम जानते हैं कि conditional sentences के अंदर कुछ conditions होती है और उस conditions यदि fulfill होती है तो उसका कुछ result निकलता है. तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कंडीशनल सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज होते हैं. सेंटेंस के दो क्लॉज होते हैं. एक क्लॉज में कंडीशन होती है और एक क्लॉज के अंदर रिजल्ट होता है. वैसे तो बेसिकली कंडीशनल सेंटेंस थ्री टाइप्स के होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक और कंडीशन होती है जिसे हम जीरो कंडीशन कहते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि देर आर फोर टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेज. एक तरफ कंडीशन क्लॉज और दूसरी तरफ रिजल्ट क्लॉज होता है. किसी भी कंडीशनल सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज होते हैं, एक कंडीशन क्लॉज और दूसरा होता है रिजल्ट क्लॉज. रिजल्ट क्लॉज एक तरफ कंडीशन क्लॉज और एक तरफ रिजल्ट क्लॉज. अब जैसे ये जो चार तरह की कंडीशंस होती है, तो पहली होती है जीरो कंडीशन. इस तरह के जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उनके अंदर कोई साइंटिफिक फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रुथ्स को हम लेते हैं, जिनमें रिजल्ट और कंडीशन दोनों समानांतर रूप से चलते हैं. जैसे वी टेक सम एग्जांपल्स. इफ वी बॉइल वाटर इट टर्न्स into vapor, water vapor. यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इसका condition clause है और ये इसका result clause है. इसका meaning है कि if we boil water, कि यदि हम पानी को गर्म करें तो इट टर्न्स इनटू वाटर वेपर, तो वो जल वाष्प में बदल जाता है. यानी एक साइंटिफिक फैक्ट है जो कंडीशन के द्वारा रिजल्ट में चेंज होता है. तो जैसी कंडीशन हम अप्लाई करेंगे वैसा यहाँ पर रिजल्ट मिलता है. और मेन जो चीज़ यहाँ पर जीरो कंडीशन में आती है वो ये होती है कि इसमें रिजल्ट क्लॉज और कंडीशन क्लॉज दोनों ही प्रेजेंट सिंपल के अंदर होते हैं. यानी एक तरफ ये जो आपका कंडीशन क्लॉज है इसमें है वी प्रेजेंट सिंपल टेंस अप्लाई होता है, यानी मेन वर्ब की पहली फॉर्म या इजेमआर आते हैं. और इसका जो रिजल्ट क्लॉज होता है उसके अंदर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस ही यूज में लिया जाता है. अब इसके अंदर जो हैपनिंग है वो कंडीशन पर डिपेंड करती है. जो भी कंडीशन अप्लाई होगी वैसा ही यहाँ पर रिजल्ट हम गेन करते हैं. इसी तरह दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, और सेकंड कंडीशन है ओपन कंडीशन. ओपन कंडीशन को हम प्रोबेबल कंडीशन भी कह सकते हैं. प्रोबेबल
probable condition. Probable condition. ओपन कंडीशन के जो सेंटेंस होते हैं उनमें जैसे हम एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, जैसे आप ये देखिए सेंटेंस, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास. If you work hard, you will pass. यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये इसका दिस पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज ए कंडीशनल क्लॉज एंड दिस पार्ट इज रिजल्ट क्लॉज. तो यहाँ हम ये देखते हैं कि इस कंडीशनल क्लॉज के अंदर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है. इसका मतलब ये पार्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस का है. सिंपल प्रेजेंट टेंस कहने का मतलब ये है कि ओपन कंडीशन के जो सेंटेंस होते हैं उसमें कंडीशन क्लॉज के अंदर हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब काम में ली जाती है, और इसका जो रिजल्ट क्लॉज होता है उसके अंदर हम हमेशा फ्यूचर सिंपल टेंस काम में लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर विल आ रहा है या कोई भी मॉडल यहाँ पर हम काम में ले सकते हैं, जैसे विल है, शैल है, मे है, कैन है. तो यू विल पास, इसको कहेंगे हम फ्यूचर सिंपल टेंस. फ्यूचर सिंपल टेंस की क्रिया यहाँ पर यूज होती है या मॉडल्स यूज होते हैं. मॉडल्स में जैसे बिल है, शैल है, मे है, कैन है. अब हम लेंगे तीसरे तरह की कंडीशन और वो है इम्प्रोबेबल कंडीशन. इम्प्रोबेबल कंडीशन इसको हाइपोथेटिकल कंडीशन भी कहते हैं. हाइपोथेटिकल कल्पना यानी काल्पनिक, ऐसी कल्पना दैट कैन नॉट बी फुलफिल्ड. वी टेक सम एग्जांपल्स टू क्लियर दिस सेंटेंस. जैसे इफ यू वर्कड हार्ड, यू वुड पास. यहाँ हम देखते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर भी दो क्लॉज है, ये इसका कंडीशनल क्लॉज है और ये इसका रिजल्ट क्लॉज है. तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो कंडीशनल क्लॉज है इसके अंदर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, यानी इसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, यानी पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं. तो इसका जो कंडीशन क्लॉज होता है उसमें पास्ट सिंपल टेंस की वर्ब हम यूज़ करते हैं, और इसका जो रिजल्ट क्लॉज होता है उसके अंदर एक तरीके से कंडीशनल पास्ट, मेरी लैंग्वेज में कंडीशनल पास्ट हम यूज़ करते हैं, यानी हम यहाँ पर वुड, शुड, कुड, माइट के साथ में MB1 यूज़ करते हैं. जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वुड आया है और ये MB1 है. तो हम मेरे अनुसार मैं कह सकता हूँ कि ये एक तरीके से कंडीशनल पास्ट है कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू वुड पास.
इसमें हमेशा समझने वाली बात यह है, ध्यान में रखने वाली बात, कि इम्प्रोबेबल कंडीशंस के अंदर जो एक्शन यहाँ पर होता है वो कभी पूरा नहीं होता, वो हाइपोथेटिकल चीज़ें होती है और दैट कैन नॉट बी फुलफिल्ड इन फ्यूचर, जो कभी भविष्य में पूरी नहीं हो सकती। जैसे कि और एक दो और उदाहरण आप लीजिए कि इफ आई वर ए किंग आई वुड अलॉट फ्लैट्स टू माई सब्जेक्ट। जैसे कि एक सेंटेंस है कि इफ आई वर ए किंग आई वुड अलॉट फ्लैट्स टू माई सब्जेक्ट, कि यदि मैं एक राजा होता तो मैं मेरी प्रजा को एक एक फ्लैट अलॉट कर देता। अब चूंकि मैं राजा नहीं हूँ और मैंने प्रजा को कोई फ्लैट अलॉट नहीं किए हैं, तो हमेशा इसका नेगेटिव अर्थ होता है। इसके अंदर जो कंडीशन होती है वो हम कभी भी फुलफिल नहीं होती, इमेजिनरी कंडीशन होती है और कभी भी वो उसके पूरे होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं और अगली कंडीशन की बात करेंगे, चौथी कंडीशन, फोर्थ कंडीशन, इसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल कंडीशन, इम्पॉसिबल कंडीशन, असंभव शर्त, इसको हम अनफुलफिल्ड कंडीशन भी कहते हैं, अनफुलफिल्ड कंडीशन। वी टेक सम मोर एग्जांपल, जैसे कि इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यू वुड हैव पास्ट। और समझिए, ये इसका कंडीशनल क्लॉज है और ये पार्ट इस सेंटेंस का रिजल्ट क्लॉज है। कंडीशन ये कहती है कि इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, कि यदि आपने कठोर परिश्रम किया होता तो यू वुड हैव पास्ट, तो तुम पास हो गए होते। अब चूंकि तुमने कठोर परिश्रम नहीं किया, तुम पास नहीं हुए, तो यहाँ पर आपकी जो कंडीशन है वो कभी फुलफिल नहीं होती, पूरी नहीं होती, इम्पॉसिबल है। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, यानी इम्पॉसिबल कंडीशन के जो सेंटेंस होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है कि इसमें जो इसका कंडीशन क्लॉज होता है उसके अंदर हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया लगती है, पास्ट परफेक्ट टेंस की, यानी हैड MV3, यानी हमेशा इम्पॉसिबल कंडीशन के जो सेंटेंस होते हैं उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस की वर्ब हम यूज़ करते हैं, यानी हैड के बाद में MV3 लगाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हैड, और यहाँ पर ये जो वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म लगी हुई है, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, और इसका जो रिजल्ट क्लॉज होता है उसके अंदर वुड शुड माइट कुड और उसके बाद में हैव और MV3 यहाँ पर हम यूज करते हैं। मेरे अनुसार इसको हम कह सकते हैं कंडीशनल परफेक्ट,
कंडीशनल, तो यहाँ पर कंडीशनल परफेक्ट की वर्ब यूज़ की जाती है इन इम्पॉसिबल कंडीशन के अंदर, अनफुलफिल्ड कंडीशन के अंदर। तो परीक्षा के अंदर अधिकतर जो वर्ब फॉर्म भरवाई जाती है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसमें यदि कोई कंडीशनल सेंटेंस आता है तो आपको सिर्फ ये पहचानना है कि उसका कोई ना कोई एक भाग, किसी न किसी एक पार्ट के अंदर आपके लिए वर्ब की सही फॉर्म भरवाई जाती है। तो यदि इन फार्मूलों के अनुसार, मैं इसकी थोड़ी सी ट्रिक भी आपको बताऊंगा, जैसा कि किस तरह की कंडीशंस यदि आती है, किस तरह के फार्मूले आपके सामने आते हैं, तो हमको किस तरह उसकी सही फॉर्म आपको भरनी है, तो आप ये भी देख लीजिए। जैसे जैसे कि यदि आप समझ रहे हो कि एक कंडीशनल सेंटेंस के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट आपका होता है कंडीशन क्लॉज, और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है रिजल्ट क्लॉज। यानी एक पार्ट तो आपका है कंडीशनल क्लॉज और दूसरा जो पार्ट है आपका वो है रिजल्ट क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज और रिजल्ट क्लॉज। यदि आपके लिए एक तरफ प्रेजेंट सिंपल फर्स्ट तरह के जीरो कंडीशन के अंदर, एक तरफ यानी कंडीशनल क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब काम में आती है, और रिजल्ट क्लॉज के अंदर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब काम में आती है। तो जो भी सेंटेंस आपके लिए दिया गया है फिल इन द वर्ब्स के लिए, तो उसमें आप यदि ये सेंटेंस आया और ये खाली है तो यहाँ पर आप प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब यूज़ करेंगे। यदि ये सेंटेंस दे रखा है, यानी रिजल्ट क्लॉज दे रखा है, और कंडीशनल क्लॉज के अंदर आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरवाई जाती है, तो भी आप प्रेजेंट सिंपल टेंस की यानी MV1 ही यूज़ करेंगे। इसी तरह दूसरे तरह के जो कंडीशनल सेंटेंस आपने देखे वो ओपन कंडीशन के हैं, और ओपन कंडीशन के अंदर कंडीशनल क्लॉज के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है और रिजल्ट क्लॉज के अंदर फ्यूचर सिंपल टेंस की वर्ब काम में आती है। फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। तो कहने का मतलब यदि कोई सेंटेंस जो दो भागों में जो कंडीशनल है और उसमें मान लीजिए फ्यूचर सिंपल, एक तरफ फ्यूचर सिंपल टेंस की वर्ब दी हुई है और आपसे ये वाला जो पार्ट है उसके अंदर यदि वर्ब भरवाई जाती है, तो हम यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब यूज़ करेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब का मतलब MV1, फ्यूचर सिंपल टेंस की वर्ब का मतलब शैल या विल के साथ MV1। इसी तरीके से यदि तीसरे तरह के कंडीशनल क्लॉज आते हैं जिनको हम इम्प्रोबेबल कंडीशन कहते हैं, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी इस तरीके से होता है। यानी उसका जो कंडीशनल क्लॉज होता है उसके अंदर जो वर्ब स्ट्रक्चर काम आता है वो ये है, पास्ट सिंपल टेंस की वर्ब आती है, और दूसरे हाफ में यानी रिजल्ट क्लॉज के अंदर वुड, शुड, कुड, माइट
के बाद में एम बी वन काम में आती है। इसको हम कंडीशनल पास्ट भी कहते हैं, कंडीशनल पास्ट, कंडीशनल पास्ट। तो आपको सिर्फ ये समझना है कि यदि करेक्ट फॉर्म भरवाई जाती है और आपके पास जो सेंटेंस है उसमें यदि एक तरफ पास्ट सिंपल टेंस की क्रिया दे रखी, पास्ट सिंपल टेंस की क्रिया का मतलब यदि यहाँ पर आपको एम बी टू दे रखी है यानी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो दूसरे हाफ में यानी रिजल्ट क्लॉज के अंदर आप वुड शुड कुड माइट के साथ में एम बी वन भरेंगे यानी कंडीशनल पास्ट की वर्ब यूज करेंगे। इसी तरह जो फोर्थ तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिनको हम इम्पॉसिबल कंडीशन कहते हैं यानी अनफुलफिल्ड कंडीशन कहते हैं, जो कभी पूरे नहीं होते, सिर्फ कोरी परिकल्पना होती है, तो उनके अंदर जो स्ट्रक्चर काम में आता है वो इस तरीके से है। यानी इसका जो कंडीशनल क्लाज होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। और इसका जो रिजल्ट क्लॉज है वो उसके अंदर वुड शुड या कुड या माइट के साथ में हैव और एम बी थर्ड वर्ब काम में ली जाती है। यानी मेरे अनुसार अकॉर्डिंग टू मी वी कैन से कंडीशनल परफेक्ट टेंस यहाँ पर होता है। तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि यदि इस तरह के स्ट्रक्चर वाले कोई सेंटेंस आपके आते हैं और पहले हाफ के अंदर यानी कंडीशनल क्लॉज में यदि पास्ट परफेक्ट टेंस की वर्ब आ रही है, पास्ट परफेक्ट टेंस की वर्ब आ रही है यानी हैड के साथ में एम वी थर्ड आ रही है एक तरफ, तो दूसरा वाला जो क्लॉज होगा उसके अंदर आपको कंडीशनल परफेक्ट की वर्ब भरनी है। कंडीशनल परफेक्ट का मतलब जैसे या वुड शुड कुड माइट के साथ में है प्लस एम वी थर्ड और अधिकतर वुड का हम प्रयोग करते हैं। और अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस वी कैन यूज शुड कुड माइट और कर सकते हैं यूज में, अदरवाइज आप वुड का यूज करें तो आपकी जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरने की जो बात है वो पूरी तरीके से आप इसमें सफलता हासिल करेंगे और सही तरीके से अप्लाई कर सकेंगे। तो ये सब तरह के जो आपने देखे कंडीशनल सेंटेंस, तो इस तरीके से उनका स्ट्रक्चर होता है और इसके बाहर कुछ भी नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉलो माय रूल्स एंड बी बेनिफिशिएटेड। अगले वीडियो में मैं एक नए सब्जेक्ट के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। कृपया प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।